हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं BCOS 185 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं, एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे चैनल के ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इग्नू बीकॉम में जाना है, यहाँ पे एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। पेमेंट करने के बाद नीचे में आपको मोर अबाउट प्रोडक्ट्स में जाना है, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ पाएंगे, जो कि बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया है। आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह का गाइडेंस एंड काउंसलिंग अगर आपको चाहिए तो आपको उसके थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको सॉल्व असाइनमेंट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको 1 रुपए पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ आपको लो कॉस्ट पे नोट्स भी मिल जाएंगे अगर आपको खरीदने होंगे हमारे पास से तो, ठीक है। इसके अलावा बोलना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें तो हमारे प्लेलिस्ट में आए, यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट हैं, जिसके अंदर वेरियस वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको देख करके पढ़ करके आप आसानी से बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर, तो फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो की है द कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। So, अगर देखा जाए, so just as many other economic concepts, the term entrepreneurship and entrepreneur are subject to debate and do not have a single comprehensive definition. इनका कोई single comprehensive definition अभी तक जो है नहीं आया है। Over two countries, they have been defined distinctly about various authorities and used in different sense in the comparison to one which they are used today, है ना? तो एक तरीके से इसका जो डेफिनेशन है, जो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी तक जो है इसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन जो है ये नहीं आया है, लेकिन 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी के स्टार्ट में ये बात बोली गई कि जो एंटरप्रेन्योर है वो एक फ्रेंच वर्ड से एक तरीके से डिराइव किया गया है, लिया गया है, जिसका मतलब होता है, जो कि वर्ड है एंटरप्रेन्योरे, which means to undertake, मतलब कोई काम आप करने वाले हो, उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, अंडरटेक करते हो, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरे। तो उसी को हम लोग, उसी शब्द से मिलकर के बना है हमारा एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो रिचर्ड कैंटिलन एक आयरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है, उनके हिसाब से उन्होंने कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। सो रिचर्ड कैंटिलन एज आयरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट इज रिगार्डेड एज द ओरिजिनल ऑफ द वर्ल्ड वर्ड एंटरप्रेन्योर इन हिज बुक डेटिंग बैक टू द लेट 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी। तो लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरी के टाइम पे इन्होंने एक बुक लिखा था, जिस बुक में उन्होंने पहली बार एंटरप्रेन्योर शब्द का जो है पहली बार इस्तेमाल किया, ठीक है। तो रिचर्ड कैंटिलन थे, आप उसको एक तरीके से फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हो, ठीक है ना, इन अ वे। बट इन्होंने जो डेफिनेशन दिया वो ये दिया कि ही कंसिडर्ड एन एंटरप्रेन्योर टू बी रिस्क टेकर हु पर्पसली एलोकेट्स रिसोर्सेज एंड टेक्स एन एक्टिव रोल इन परसुइंग अपॉर्चुनिटीज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि रिस्क टेकर होता है, रिस्क लेता है, और साथ ही साथ वो अपने पास जो भी उसके पास रिसोर्सेज है उसको वो पर्पसफुली एलोकेट करता है उन रिसोर्सेज को, ताकि वो आगे जाकर के प्रॉफिट्स को ले सके, प्रॉफिट्स कमा सके, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। सो दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड कैंटिलन, ठीक है। तो रिचर्ड कैंटिलन के अकॉर्डिंग ये जो है डेफिनेशन उनके द्वारा दिया गया था। इसके अलावा अगर बात हम करें GBCA के बारे में, तो उन्होंने भी डेफिनेशंस दिए हैं। यहाँ पे एक और डेफिनेशन की बात की जा रही है, जो कि जोसेफ स्कम्प्टर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर्म एंड इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उन्होंने अपना ये डेफिनेशन दिया था, जो कि था द एंटरप्रेन्योरशिप वेयर द फोरफ्रंट ऑफ द ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज थ्रू creative destruction and further highlighted the essential role of innovation plays in entrepreneurship. तो उन्होंने कहा कि entrepreneurship जो होता है वो एक तरीके से change लाने के लिए एक बहुत ही बड़ा tool है। Change लाते हैं entrepreneurs हमेशा, creative destruction करते हैं, कुछ ऐसा चीज बनाते हैं जो कि previously जो भी चीजें उस चीज के लिए इस्तेमाल होती थी उसको destruct कर देते हैं, market को disrupt कर देते हैं, एक तरह से revolution आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इनका definition था
और उन्होंने ये भी कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, एसेंशियल रोल प्ले करता है इनोवेशन के केस में, इनोवेशन को बढ़ावा देता है। एक अच्छा इनोवेटिव पर्सन जो है वो उसका गुण होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप का, है ना। सो इन द 20th सेंचुरी पीएफ ड्रकर का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ चीजें कही है, मैं आपको बता देता हूँ। पीएफ ड्रकर है वेल नोन राइटर एंड ऑन मैनेजमेंट इश्यूज, कंटेंडेड दैट एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स मैक्सिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज। या एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो गया कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से मैक्सिमाइज कर रहे हो। एंटरप्रेन्योर शुड आइडेंटिफाई एंड एक्ट ऑन अंडर डेवलप्ड एंड अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज। तो एंटरप्रेन्योर्स करते क्या है, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि जिसके ऊपर कोई अच्छा डेवलप्ड प्लान नहीं है, या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जिसके ऊपर अभी तक लोगों का ध्यान नहीं गया है ना। तो आप कुछ यूनिक करने की कोशिश करते हो, कुछ ऐसे चीज बनाने की कोशिश करते हो जिससे एक तरीके से दुनिया बदली जा सकती है, आप समझ रहे हो। तो ये इनका डेफिनेशन था, पीएफ ड्रकर के हिसाब से उन्होंने ये बातें जो है कही थी। नाउ यहाँ पे एक और डेफिनेशन है बाय हॉवर्ड एच स्टीवेंसन के द्वारा, द डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप इज एंटरप्रेन्योरशिप अ परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड सोर्सेस रिसोर्सेज कंट्रोल। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक तरीके से इस्तेमाल करके या उसके बियॉन्ड जा करके जो आप अच्छी चीजें कर पाते हो, जो आप अपना परसू कर पाते हो चीजों को, उसे ही हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे, ठीक है। सो एज डिफाइंड बाय द हॉवर्ड एच स्टीवेंसन हु इज अ नोटेबल एकेडमिशियन ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्टडीज एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की ये एक तरीके से प्रोफेसर है, वहां पे इन्होंने ये बात जो है कही थी, ठीक है। तो और डिटेल में इसके नहीं जाते हैं, अब बात करते हैं डायरेक्टली हमारे फीचर्स के बारे में, एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो है फीचर क्या क्या होता है। तो डेफिनेशन आई होप कि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा दिया गया है, आप एक डेफिनेशन इन जनरल लिख लेना और एक डेफिनेशन किसी एक ऑथर का लिख देना याद करके काफी है, ठीक है ना, दैट्स मोर देन इनफ। तो ये तो डेफिनेशन की बात होगी, अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के पास, एक एंटरप्रेन्योर के पास ऐसी कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए जो कि उसे एक एंटरप्रेन्योर बनाता है। सबसे पहला होता है क्रिएटिंग ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन और इन्फ्यूजन ऑफ न्यूनेस इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसमें होता क्या है, या तो आप एक कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो या फिर आप किसी पुराने ऑर्गेनाइजेशन में एक नया तरीका, एक नया चीज, एक नई भावना जो है उनके अंदर लाते हो कि हम कुछ नया करें, कुछ नया प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके से अनसर्टेनिटी के साथ डील करता है, रिस्क के साथ डील करता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं वो इन फ्यूचर जाकर के किस तरीके से काम करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो वो जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उसमें एक तरीके से रिस्क और अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती है, है ना। इट क्रिएट्स वैल्यू, एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके से कस्टमर के लिए एक तरीके से वैल्यू क्रिएट करता है, तभी एंटरप्रेन्योरशिप जो है सक्सेसफुल हो पाता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन की बात की जा रही है। चौथा है इट जनरेट्स एंड सस्टेन्स न्यू आइडियाज एंड प्रोसेस एंड सिस्टम, है ना। ये एक तरीके से जनरेट करता है और सस्टेन करता है नए आइडिया को, नए प्रोसेस को और नए सिस्टम को, है ना। इट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योरशिप में आप चीजों को मैन्युफैक्चर करते हो, ट्रेड करते हो और उनकी मार्केटिंग भी अच्छी तरीके से करते हो। एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, फीचर्स की बात की जा रही है। एंटरप्रेन्योरशिप का एक और फीचर हो गया, इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज, है ना। इसमें मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी होती हैं एंड इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, और ये जो है एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की फीचर्स भी बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।